नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी। तो पॉलिटी के कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्वेश्चन आपके सवालों के अनुसार उनको समझते हैं। पहला सवाल कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो जब किसी स्टेट को किसी तरीके से अगर फंक्शंस करना है तो कुछ अरेंजमेंट किए जाते हैं इन द कंट्री, और इसी अरेंजमेंट को जो इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से आप फंक्शंस करते हैं, तो इस जो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है इसको इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। और जो गाइडलाइन है कि उसका क्या कंपोजिशन होगा उन इंस्टीट्यूशंस का, उनका क्या वर्किंग क्राइटेरिया होगा, वो कंट्री के संविधान के द्वारा बताया जाता है। अब बात करते हैं कि जो तीन मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर वो क्या क्या होते हैं। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है, और एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ को एनफोर्स करता है, और न्यायपालिका जो कि जुडिशरी जब कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो उन डिस्प्यूट्स का निस्तारण करती है और उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। अब बात करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पार्लियामेंट। तो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पे एक असेंबली होती है जिसके अंदर कुछ लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, और वही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, एंड दिस बॉडी एक्सरसाइज द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल जो उनको इलेक्ट करते हैं। और इंडिया, इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर इस असेंबली को पार्लियामेंट कहा जाता है, और वहीं यूएसए के अंदर इसको कांग्रेस कहा जाता है। अब चौथा सवाल, क्या इंडियन पार्लियामेंट जो है यूनिकैमरल और या बाइकैमरल क्या है। तो जो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो बाइकैमरल है, यानी कि यहाँ पे दो हाउसेस है, पहला लोकसभा, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट। तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा भी बोलते हैं। और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 552 है, और राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 मेंबर। अब अगला सवाल, हाउ आर द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द काउंसिल ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड, ये किस तरीके से इलेक्ट होते हैं। तो जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, एंड द एंटायर जो कंट्री होती है वो डिवाइड है इनटू एज मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज देयर आर मेंबर टू बी इलेक्टेड। तो जितने मेंबर इलेक्ट होने हैं लोकसभा के अंदर उतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो कंट्री है वो डिवाइडेड है, और हर एक जो मेंबर है वो इलेक्ट होगा फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। राज्यसभा के अंदर जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि आपकी आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस में कोई विशेष उनका योगदान हो उनमें से 12 जने चुने जाते हैं। और जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं राज्यसभा के उनको इलेक्ट किया जाता है बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट दे रिप्रेजेंट, यानी कि हर राज्य सरकार की जो असेंबली होती है लेजिस्लेटिव असेंबली वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा के अंदर भेजती है। अब बात करते हैं कि टेन्योर क्या है दोनों हाउसेस का ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के उनका टेन्योर होता है फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए, परंतु जो प्रेसिडेंट है उसको ये अधिकार है कि हाउस को डिसॉल्व कर दे अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां बनती है तो। और जो टेन्योर ऑफ द राज्यसभा मेंबर इज ए 6 ईयर, उसकी मेंबर की टेन्योर की बात हो रही है, राज्यसभा की बात नहीं हो रही है, और 1/3 जिसके मेंबर हैं वो रिटायर होते हैं हर 2 साल बाद। और जो राज्यसभा है इसको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये आपके लोकसभा के तरह डिसॉल्व नहीं होता है। अब अगला सवाल कि जो मीटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की उसको प्रिसाइड कौन करता है। सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा इज नोन एज स्पीकर। स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करता है लोकसभा के अंदर, और ये इलेक्ट होता है लोकसभा के द्वारा ही। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन माना जाता है राज्यसभा का, और ये राज्यसभा की जो मीटिंग है उसको प्रिसाइड करता है। अब बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर क्या है। अब इसके रिगार्डिंग जो संविधान है
वो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर नहीं बताता है. टेन्योर द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत प्राइम मिनिस्टर जो है ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक कि प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी है टिल दैट टाइम वो ऑफिस होल्ड कर सकता है, और अगर वो मेजोरिटी लूज कर जाता है तो इन दैट केस उसको वापस त्याग पत्र देना पड़ सकता है, और वो प्रेसिडेंट की वहां पे डायरेक्शन होती है कि आपके पास मेजोरिटी लूज हो गई है तो आप त्याग पत्र दें. तो आप इसका अर्थ ये निकाल सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वो ऑफिस होल्ड करते हैं. अब बात करते हैं कि सैलरी क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की. प्रेसिडेंट गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹1,50,000. अब अगला सवाल, ऐसी कोई दो परिस्थितियां जहां पे जो इंडियन पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है. जैसा कि आप जानते हैं कि तीन लिस्ट होती है, एक आपकी सेंट्रल लिस्ट में जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और स्टेट लिस्ट जो होती है उसके अंदर आपकी केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है. परंतु यहाँ पे परिस्थितियां ऐसी पूछी हुई है, दो ऐसी परिस्थितियां जहां पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए दिए गए सब्जेक्ट्स पर कानून बना सके. जो दो स्थितियां हैं वो पहली है, अगर राज्यसभा दो तिहाई मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से कोई ऐसे सब्जेक्ट को, स्टेट सब्जेक्ट को ये बिल पास कर देती है उसके रिगार्डिंग कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस है और इस पर केंद्र सरकार के द्वारा कोई कानून बनाना चाहिए, तब वहां पे केंद्र सरकार जो है एलिजिबल होगी और उसका जो वो लॉ है वो वैलिड माना जाएगा. दूसरी बात, जब इमरजेंसी इन ऑपरेशन है, यानी कि जब इमरजेंसी लागू है, खत्म नहीं हुई और शुरुआत हो चुकी है, तो उन कंटिन्यूटी के दौरान अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जो स्टेट लिस्ट में है केंद्र सरकार के द्वारा, तब उस कानून को भी वैलिड माना जाएगा. अगला सवाल, व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से रिमूव किए जाते हैं. तो संविधान के तहत जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकता है जज फ्रॉम ऑफिस आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट. तो एड्रेस बाय पार्लियामेंट मीन कि जो कोई भी जो हाउस है एक मोशन चालू करेगा उसके अगेंस्ट में, और उसमें उसको केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी, फिर वो मोशन दूसरे हाउस के पास जाएगा और दोनों हाउसों के लगभग 2/3 मेजोरिटी जो मेंबर्स हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, उन्होंने अगर उस पर सहमति दे दी, फिर वो राष्ट्रपति को वापस वो सहमति वाला जो बिल है, या फिर आप ये कह सकते हैं वो सहमति वाला जो मोशन है वो राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति जैसे ही उस पर साइन कर देता है वो रिमूवल हो जाएगा. अब बात करते हैं कि टेन्योर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कितना है. तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसका टेन्योर टिल उसकी जो एज है 65 ईयर, या फिर अभी उसका अगर कोई और उसके इम्पीचमेंट मोशन अगर नहीं लाया गया टिल दैट टाइम वो ये जो ऑफिस है होल्ड कर सकते हैं. नाउ मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो सबसे मेन फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है संविधान का एज ए गार्जियन काम करता है. दूसरी बात, फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स के, इनको प्रोटेक्शन मिले, उनमें किसी भी तरीके का कोई उल्लंघन ना हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट जो है सुनिश्चित करता है, इसलिए इसको गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन भी कहा जाता है. तीसरी बात, इट हियर्स अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट. अब अगला सवाल, हाउ मेनी जजेस आर अपॉइंटेड इन अ हाई कोर्ट एंड हु अपॉइंट देम. तो नंबर जो है जजेस के हाई कोर्ट में वो फिक्स नहीं है संविधान के द्वारा. सो इट इज फिक्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन और वर्कलोड के अनुसार. तो एक हाई कोर्ट के अंदर और दूसरे हाई कोर्ट में जो नंबर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, और जो जजेस हैं हाई कोर्ट के वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिफिकेशंस हैव बीन लेड डाउन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए. दूसरी बात, ही मस्ट हैव वर्क एज जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, 5 साल के लिए कम से कम हाई कोर्ट का जज रहा हो. तीसरी चीज, अगर वो जज ना रहा हो तो हाई कोर्ट का एडवोकेट कम से कम 10 साल के लिए.
और या फिर राष्ट्रपति की नजर में ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट, जिसको लॉ की एक विशेष समझ हो और डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट समझता हो प्रेसिडेंट उसे, तब भी उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का अर्थ है कि जो जुडिशरी है वो किसी के कंट्रोल या इन्फ्लुएंस में काम ना करे, चाहे वो कोई इंडिविजुअल अथॉरिटी हो जिसके कंट्रोल हो या कोई अथॉरिटी हो। अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो इस पोजिशन में है कि वो जजेस को इन्फ्लुएंस करें, तब जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल न्याय वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो इनसे इम्पार्शल, इनसे इनका इन्फ्लुएंस ना रहे और इनका कंट्रोल ना रहे, यही एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सैलरी डू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गेट? कितनी मिलती है इनको? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹1 lakh पर मंथ एंड अदर जजेस गेट 90,000 पर मंथ। अब जैसा कि हमने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पर सवाल उठता है कि ये गार्जियन क्यों है? सुप्रीम कोर्ट जो है गार्जियन इसलिए है क्योंकि ये फाइनल इंटरप्रेटर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी संविधान के मूल्यों की बात होगी, जब भी संविधान के संबंधित कोई सवाल उठेंगे, तो उन सवालों को निस्तारण करने के लिए जो फाइनल अथॉरिटी है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ पास किया है, कोई ऑर्डर इशू किया है जो कि संविधान के विरुद्ध है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उस कानून को, उस ऑर्डर को असंवैधानिक ठहराने का। नाउ राज्यसभा, राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट विच इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका कंपोजिशन क्या होता है? तो राज्यसभा के बारे में संविधान कहता है कि इट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, जिसमें से 238 जो मेंबर हैं वो इलेक्टेड होंगे और 12 जो है नॉमिनेटेड होंगे। जो 238 है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट के द्वारा इलेक्ट होंगे और 12 जो मेंबर है वो नॉमिनेट प्रेसिडेंट के द्वारा होंगे। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस में अगर कोई विशेष योगदान है तो उन व्यक्तियों में से किसी भी 12 व्यक्तियों को वहां पे नॉमिनेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए राज्यसभा मेंबर की। पहली बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 साल कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। तीसरी बात कि उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का अर्थ है कोई ऐसी पोस्ट जहाँ पे कोई रेमुनरेशन हो, कोई सैलरी हो, तो अलाउंसेस मिलते हों, तो उस चीज़ को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा और ऐसा व्यक्ति जो है राज्यसभा के लिए एलिजिबल नहीं माना जाए। अब बात करते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन माना जाता है राज्यसभा का, और जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो राज्यसभा अपने मेंबर्स में से किसी एक को चुनती है, और जो टेन्योर है वो इसका आपका जो राज्यसभा का जो है वो 6 ईयर टर्म, मेंबर्स की 6 ईयर टर्म है। राज्यसभा अपने आप में तो खुद तो एक परमानेंट बॉडी है, पर उसके जो मेंबर्स हैं उसका टेन्योर 6 ईयर है और 1/3 हर 2 साल बाद में रिटायरमेंट होगा उनका। लोकसभा की बात करते हैं, इसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, तो और ये लोअर हाउस भी है। तो लोकसभा के अंदर कम से कम आपके जो 545 मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। अब इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? पहली बात कि सिटीजन ऑफ इंडिया यानी नागरिक होना चाहिए भारत का, और दूसरी बात कि उसकी जो उम्र है कम से कम 25 साल की होनी चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अब बात उठती है पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन लाने का, अगर उसको लगता है कि प्रेसिडेंट जो है वो मिसबिहेवियर कर रहा है या कोई और ऐसा एक्ट है जो संविधान उसको परमिट करता है, तो वहां पे इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट ला सकती है। और साथ ही साथ इम्पीचमेंट मोशन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिमूव करने के लिए भी पार्लियामेंट के द्वारा लाया जा सकता है, और संविधान को अमेंडमेंट करने का जो अधिकार है वो भी पार्लियामेंट के पास है। अब बात करते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट। तो इसमें पहला जो बिल है वो है ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल जो है
वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, और एक बार जो बिल है एक हाउस के द्वारा पास होने के बाद में वो दूसरे हाउस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर दोनों हाउस ने उसको पास कर दिया है तो वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है उसकी सहमति के लिए, और जैसे ही प्रेसिडेंट सहमति दे देता है वो ऑर्डिनरी जो बिल है वो कानून बन जाता है। फिर बात करते हैं मनी बिल की। मनी बिल की जो है वो रिलेटेड है आपके इम्पोजिशन या अबोलिशन ऑफ द टैक्सेस या कोई और मॉनेटरी रिलेटेड मैटर, और जो मनी बिल है वो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और लोकसभा एक बार उसको पास करके राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है कि वो अपनी रिकमेंडेशन उस पर दे, और अगर वो 14 दिन के अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं देती है राज्यसभा तो ये माना जाएगा कि बिल जो है दोनों हाउस के द्वारा उस फॉर्म में पास हुआ है जिस फॉर्म में लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा। अब बात करते हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट की। देर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन टू सेशन, तो 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो हेंस इसका मतलब है कि जो सेशन है वो 2 बार होते हैं इन ईयर। अब बात करते हैं रिम्यूनरेशन की। तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी जो रिम्यूनरेशन है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही फिक्स की जाती है। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल इज द लीगल एक्सपर्ट जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और भी कोई लीगल टास्क जो राष्ट्रपति इनको असाइन करे उसके रिगार्डिंग ये एडवाइसेस देते हैं। और द लाइबिलिटी फॉर बींग द अटॉर्नी जनरल इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ही कैन होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये अपना जो ऑफिस जो होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं। इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी ही हैज राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है वहां पे भी ये पार्ट ले सकते हैं, परंतु इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये केवल केवल वहां पे पार्ट ले सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं, परंतु वोट का अधिकार इनको नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज। सो जो यूनियन और स्टेट के जो अकाउंट्स है ये इनके द्वारा देखे जाते हैं। इनकी मेन ड्यूटी जो होती है कि ये एक तरीके से नजर रखते हैं और फाइनेंस के संबंधित रिगार्डिंग टू यूनियन एंड द स्टेट, और उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ द स्टेट को सबमिट करते हैं। और इनका जो ऑफिस होता है वो 5 साल के लिए होता है या फिर 65 साल आप कह सकते हैं, दोनों में से जो भी पहले हो। अगर 65 साल उम्र पहले हो गई तो रिटायरमेंट पहले हो जाएगा, और अगर 5 साल पहले हो गए तो 5 साल बाद में ये इनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की। तो टू असिस्ट द पार्लियामेंट इन इट्स डेलिब्रेशन पार्लियामेंट कमेटी आर अपॉइंटेड एंड इलेक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव हाउसेज देमसेल्फ ऑन अ मोशन मेड और नॉमिनेटेड बाय देयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो पहली कमेटी है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये जो कमेटी होती है ये अप्रोबेशन अकाउंट जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसका स्क्रूटिनाइज करती है, और जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है उसकी रिपोर्ट को भी देखती है। एंड दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स जिसमें से जो 15 मेंबर्स हैं वो आपके लोकसभा के होते हैं और 7 जो मेंबर्स होते हैं आपके राज्यसभा के होते हैं, और जो चेयरमैन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का वो नॉमिनेटेड होता है थ्रू द अपोजिशन पार्टी, फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी का होता है चेयरमैन। अब बात आती है एस्टिमेट कमेटी की। ये जो कमेटी होती है ये एग्जामिन करती है कि विच ऑफ द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट ऑफ द पॉलिसी इंप्लाइड एंड एस्टिमेटेड शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। तो एक एस्टिमेटेड जो भी रूप होता है कितना खर्चा हुआ और कितना लगाया गया था, तो उसके रिगार्डिंग एक एस्टिमेट पार्लियामेंट को देती है। और इस कमेटी के अंदर 30 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आप हमारे प्लस कोर्स पे जुड़ सकते हैं, और प्लस कोर्स में जुड़ने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले गूगल प्ले पे जाएं और रेफरल कोड मेरा याद रखिएगा, रेफरल कोड है DUDI10। गूगल प्ले पे जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, सेलेक्ट योर गोल के अंदर NTA UGC NET, वहां से गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। फिर आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ। अगर आप 12 मंथ का कम से कम लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर कंफर्म जो यहाँ डिटेल्स आएगी इसके अंदर आप मेरा रेफरल कोड जो है वो एंटर कर सकते हैं, एंटर योर रेफरल कोड के अंदर DUDI10। जैसे ही रेफरल कोड आप अप्लाई करेंगे 10% आपको डिस्काउंट देगा, और आपका अन्य कोई साथी अन्य कोई कोर्स करता है तो उसको भी 10% डिस्काउंट है।
और ये फिर आपको रेफर कोड है अप्लाइड शो करेगा, उसके बाद में आप जो पेमेंट मेथड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।